को हैप्पी करवा चौथ। आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग को कुछ सो गई आज, क्योंकि आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी। ठीक है, छोटा बेबी आने वाला है। ये रोए रोए जा रही है, फ्लाइट भी नहीं आ रही अभी। क्या होगा? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 हो रहे हैं अभी। काम हम सब निपट चुके हैं। आज है 20 अक्टूबर। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी करवा चौथ। सब लेडीज़ के हस्बैंड की लंबी उम्र रहे, ठीक है, भैया लोगों की, और सबकी मनोकामना पूरी हो और लेडीज़ की भी मनोकामना पूरी हो जाए, है ना। तो हम इतना बड़ा फास्ट रखते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, तो हमारी मनोकामना तो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अभी काम हम तो सब हो चुके हैं। मेरे नाना धोना भी हो गया है, कुक को भी मैंने नहला दिया है, और आज का दिन भी पतिदेव ड्यूटी रहे हैं। वैसे तो आज संडे है, मैंने सोचा था कि हम लोग साथ में रहेंगे संडे वाले दिन, लेकिन मेरे हस्बैंड की नहीं, सभी की, यहाँ पे किसी की भी छुट्टी नहीं है। जितने भी हैं सब भैया लोग ड्यूटी गए हैं, मेरे पति भी गए हैं। तो आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग संडे वाले दिन भी या छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। पता है सभी की ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट चल रही है इस टाइम पे कि कोई भी आराम नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। सुबह शाम ड्यूटी लगी ही जा रही है। तो क्या करें, तो काम है उनका, करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, बाकी हम लोगों ने फास्ट रखा ही है सब लेडीज़ ने, और मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए चेतना के पास। तो अभी तो नहीं, अभी तैयार भी नहीं हुई, सिर्फ नहाया धोया है, अभी नॉर्मल कपड़े पहने मैंने। मैं सोचू कि दिन में आज सूट डालूँगी और रात को साड़ी डाल लेंगे, है ना, क्योंकि अभी साड़ी डालूंगे तो कुकू परेशान करेगी मुझे। अगर मेरे पतिदेव होते तो शायद वो संभाल लेते, लेकिन अकेले तो मैं नहीं संभाल पाऊँगी साड़ी में इसको। तो रात को डालेंगे साड़ी, अभी सूट डालेंगे और पूजा वूजा करेंगे। खाते पीते तो मैं वैसे हूँ नहीं कुछ भी, मैं निर्जला व्रत रखती हूँ, तो ऐसे तो कुछ है नहीं। बल्कि मेरे हस्बैंड भी हर साल रखते थे, लेकिन मैंने इस बार उनकी ड्यूटी को सोच के उनको व्रत नहीं रखाया, और उन्हें बोला कि आप खा पी के जाओ। तो नाश्ता करा दिया था मैंने, और लंच उनका बना दूँगी। लंच अभी नहीं बनना, बाद में बनना है। तो अभी मुझे एडिटिंग करनी है ब्लॉग की, और प्रेस करनी है कपड़ों पे। कुछ कपड़े धुले थे वो सुखाने हैं, तो अभी थोड़ा सा काम और रह रहा है। ये करके मैं बैठ जाऊँगी आराम से। ये रही कुकू, मिल लीजिए आप कुकू। हेलो करो सबको, हेलो करो। अच्छा, मुझे ले जा रहे हो, कार्टून चेंज करना है। तो बस यही है गाइस, अभी फास्ट है। मैं वैसे नॉर्मली फास्ट रखती नहीं हूँ, लेकिन ये वाले फास्ट में बहुत मन से रखती हूँ। तो अभी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मतलब दिन शाम तक मतलब मुझे थोड़ा प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। बस भूख तो मुझे खैर नहीं लगती, लेकिन मुझे प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई नहीं, पतिदेव के लिए इतना भी कर देंगे, इतना प्यार करते हैं उनको, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उनके लिए ये भी सही। A few moments later. तो गाइस, तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, और थोड़े बाल गीले हैं अभी, तो बांध दूँगी थोड़ी देर में। और कुकू सो गई आज, क्योंकि आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही, क्योंकि पतिदेव को नाश्ता बना के दिया था ना मैंने, तो मेरे साथ ही आज जल्दी उठ गई थी वो। तो अभी उसे अपने आप ही सो गई वो, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, ठीक है। अब सो गई है तो मैं कैसे जाऊँ चेतना है घर पे, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, उसे अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। उसकी नींद बहुत कच्ची है, अगर मैं आसपास नहीं रहती हूँ तो वो जल्दी उठ जाती है। तो अभी देखती हूँ क्या होता है। ये मेरी गुड़िया सो रही है, और मुझे पूजा करने जाना है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। इसे उठाना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उठाऊँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा रोएगी। कुकू अभी अभी सोई है थोड़ी देर पहले ही। तो गाइस, चेतना को मैंने कॉल किया था अभी, और चेतना बोल रही थी कोई बात नहीं, उसे सोने दे आराम से, मैं आ जाती हूँ तेरे घर पे। तो थैंक यू सो मच यार, वो बहुत समझती है मुझे बंदी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक गुड न्यूज़ भी दे देती हूँ, वो सेकेंड टाइम प्रेगनेंट है, ठीक है, छोटा बेबी आने वाला है। और आई थिंक जनवरी की डेट दी है उसको, हाँ जनवरी की दी है। तो जी आन का छोटा भाई या बहन कोई तो आने वाला है, जल्दी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी जब वो प्रेगनेंट थी। तो बस ये था कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार उस बच्चे के लिए, बहुत अच्छे से उसका वेलकम हो, वो दुनिया में सेफली आ जाए, मम्मी बच्चा दोनों अच्छे से रहें, यही चाहती हूँ। और एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जियान तो मैंने 1.5 साल का देखा था, अभी इस छोटू से नन्नू मुन्नू को मैं देखने वाली हूँ। हालांकि उसे बेटी चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे बेबी बॉय होएगा। कोई भी हो, चलो छोड़ो, ये तो चलता रहता है, ठीक है। और हेल्दी होना चाहिए बस बच्चा, दोनों मम्मी और बच्चा दोनों सही होने चाहिए।
1 hour later. तो गाइस पूजा तो हो गई है और अर्घ भी दे दिया हमने सूर्य देवता जी को, और उसके बाद अब खाना बनाना है। वैसे हिम्मत तो हो नहीं रही है, प्यास लग रही है मुझे हल्की हल्की सी, लेकिन बनाना है क्योंकि पतिदेव आने वाले हैं थोड़ी देर में। और कुकु यहाँ सो गई, वो रो रही थी, मैंने बोला था ना कि वो जग जाएगी, तो बीच में रोने लगी पूजा करते टाइम ही, और फिर तब तक चुप नहीं जब तक मैंने उसको उठाया नहीं। फिर मैंने उठा के यहाँ पे सुलाया इसको अपने पास ही, और अब मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। हाँ बेटे, हाँ जी पापा आए। ये देखो 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 कैसे भागी, देखो देखो तो इसे देखो तो सही। कैसे हो आप, जल्दी जाओ कुकु। आज मेरा बेटा गंदी बात। गुड इवनिंग गाइस, और अभी कुकु देख लो कैसे शैतानी कर रही है, बॉटल में ना हाथ देगी बार बार, पानी चेक कर रही है। इधर आओ, वो ढक्कन लगा के आओ जल्दी, और दिखाओ अपनी पायल कितनी सोनी लग रही है मेरी बेटी की पायल। तो गाइज अभी शाम के आई थिंक 5:30 होने वाले होंगे। मुझे कैसे देख रही है, कैसे देख रहे हो आप मुझे, टेस्टी टेस्टी पानी। अभी शाम के 5:30 और होंगे, पतिदेव आ गए थे और अभी दोबारा गए हैं कटिंग करवाने गए। वैसे तो ड्यूटी का मुझे पता नहीं उनकी कैसी रहेगी, और अभी ज्वेलरी वगैरह तो मैंने पहन ली है, थोड़ी देर में साड़ी भी पहन लूँगी और फिर पूजा वगैरह करेंगे। ठीक है, वैसे तो चांद निकलने पर भी पूजा होती है, लेकिन तैयार हो जाएंगे, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लेंगे क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं है अब तक। ठीक है, मॉर्निंग में मैं जैसे सूट पहना था मैंने, तो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी, और अभी चल रही है बहुत प्यारी हवा क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है ना और आप अकेले उसको संभाल रहे हो, तो भाई आप हद कर देते हैं, ये बच्चे ये बेवजह रो रही है तब से। क्यों रो रही है भाई, हैं क्या हो गया ऐसा, नीचे बैठो चुपचाप बैठो यहीं पे। कितना भी प्यार कर लो, कितना भी प्यार से बात कर लो, पर वो ये शैतानी तो करनी ही करनी है। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है अभी, हालांकि मुझे बीच में बहुत प्यास लग रही थी पर अभी नहीं लग रही है, फिर लगेगी एंड में। बाहर नहीं जाना बेटा, बाहर कोई नहीं है, तो मुझे बाहर जाने को बोल रही है अभी, लगी पड़ी है उसे बाहर जाना है, बोल रही है मम्मी मुझे बाहर ले जाओ। क्या करें अभी, मैं लेके नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बाहर कोई खेल भी, मैं तैयार भी होना है अभी। गाइज यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला, अब कभी भी बारिश आ सकती है। और ये ना लड़की मेरी इतनी तंग कर रही है मुझे, ये रोए रोए जा रही है, लाइट भी नहीं आ रही अभी। क्यों ले आए, अच्छे लग रहे हो। और मैं कैसी लग रही हूँ बताओ, सच्ची में। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, मैं चुन्नी निकाल रही हूँ अपनी शादी की। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि आज उसे ओढ़ के ही मैं वो करूँ, अर्घ दूँ चांद जी को। ठीक है, तो बस अभी निकालती हूँ चुन्नी, और अभी चांद तो नहीं आया लेकिन थोड़ी फोटो और वीडियो करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे चांद आएंगे पूजा वूजा करेंगे। और बहुत तेज प्यास लग रही है अब तो, बहुत ज़्यादा ही, तो हिम्मत सी नहीं हो रही है। भूख मुझे नहीं लग रही अभी भी, लेकिन मुझे प्यास बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं जग भर के पानी पी जाऊँगा, सब मुझे पानी मिल जाए। ठीक है, तो चलो चुन्नी निकालते हैं, फोटो वोटो कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं, बोलते रहे कि चांद निकल गया, देखते हैं अभी। अरे पूजा करनी पहले तो नीचे आप आओ। तो अब हम पूजा करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, अर्घ वगैरह देंगे। बहुत तेज प्यास लग रही है अब तो, जान निकल रही है मेरी। कुछ वीडियोज़ फोटोज़ बनाई हम, मतलब फोटोज क्लिक करी वीडियोज़ बनाई है, मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, और कुकु को अभी मैंने टी शर्ट ही बनाई है, स्कर्ट बनाना बाकी है, तैयार तो कर दिया मैंने इसको। क्या खा रही है, पत्थर नहीं, कच्चे चावल खा गए बेटा है। नहीं तो चलो अभी पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम वेट करा दिया चंदा मामा ने, अब वेट हुआ कंप्लीट, अब हम पूजा करेंगे फिर हम जाएंगे ऊपर पानी वानी। मैं तो वेट हो रहा कि कम मैं पानी पीऊंगी, सच बता रही हूँ पानी पीने का वेट हो रहा है सबसे ज्यादा तो मुझे।
आ जाओ जल्दी से, क्या होगा? कर लिया, जा रहे हैं डिनर करने के लिए, हिम्मत नहीं तो कुछ बनाने की, तो पति करने का कोई नहीं, बाहर खा लेंगे, तो अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो गाइस घर आ गए थे हम लोग और सोने का टाइम हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। कुकु तो सो भी चुकी है, वो देखो सो रही है मज़े से। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने और ज्वेलरी वगैरह भी सब उतार दिए क्योंकि सोते टाइम तो बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी। और अभी सोते हैं क्योंकि पति देव की ड्यूटी भी है। ठीक है, और थक भी गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत, चैनल चैनल को गाइस बाय, गुड नाइट, सो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, कल मिलते हैं।